नमस्कार दोस्तों, आर्यश डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, पहले इसकी कटिंग अस्तर पे कर लेना है। तो साइज के हिसाब से अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। 36 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है। लंबाई इसकी हमने 15 इंच ली है। तैयार लंबाई इसकी 14 इंच होगी। 16 इसका 6 इंच लिया है। आर्म हो 1.25 इंच, 6 इंच 2 पॉइंट लिया है। देखिए, 1 इंच पर इसकी गोलाई दे देनी है इस तरह से। उसके बाद इसे कट कर लेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच 2 पॉइंट। गले की गहराई 9 इंच ली है। उसके नीचे देखिए कट रखेंगे तो गहराई में कम ली है थोड़ा सा। देखिए, निशान दूसरी साइड इस तरह से बना दिया है। अब कपड़े पर रख के कट कर लेना है। अब देखिए, कपड़े की सीधी साइड में इसको इस तरह से अस्तर को मिलाकर रखना है। अब देखिए, जहां से गले का निशान बनाया है वहीं से इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको कट कर लेना है। अब देखिए, पूरे गले पर कट लगा देंगे। अब इसको पलट कर सीधा कर लेना है। तो देखिए, पलटने के बाद अच्छे से बनाकर गले पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगा दी है पूरे गले पर। अब देखिए, नीचे की तरफ तुरपाई के लिए इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, हमने जो ब्लाउज वाला मेन फैब्रिक है उसका कपड़ा थोड़ा सा बढ़ाया था, तुरपाई के लिए बढ़ा लिया था। तो इस तरह देखिए, कच्ची सिलाई लगा दी है। अब देखिए, डिजाइन के लिए इस तरह से चौकोर कपड़ा ले लेना है। यहाँ पर देखिए, हमने 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा ले लिया है। अब इस तरह से डिजाइन बनाकर तैयार कर लेनी है।
तो देखिए डिजाइन इस तरह से हमने सारी बना ली है। और देखिए जो सिलाई के बाहर कपड़ा है उसको कट कर देना है, तो जितनी गले पर लगेगी उसी हिसाब से बना लेना है। अब देखिए इसको इस तरह से लगाएंगे, आधा इंच गले के साइड से छोड़ देना है। अब देखिए एक बार और इसी तरह से लगा लेना है। तो देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह से पूरी डिजाइन को लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी साइड भी डिज़ाइन पूरी कर ली है। तो देखिए यहाँ पर पट्टी तैयार करनी है, तो हमने और ये भी कपड़ा लिया है पट्टी के लिए, तो सीधा कपड़ा नहीं लेना है। तो इस तरह देखिए पट्टी पर सिलाई लगा दी है। अब इसको पलट कर सीधा कर लेना है। अब देखिए इस तरह से पट्टी को लगाएंगे। तो इस तरह देखिए पट्टी को लगा दिया है। अब देखिए ब्लाउज का बॉर्डर लेंगे और देखिए नीचे की साइड में इसको इस तरह से लगा देना है। अब देखिए यहाँ से इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से हमने डोरी ली है और डोरी पर दोनों साइड से लटकन लगा दी है। अब देखिए इस तरह से बनाकर इस पर सिलाई लगाकर यहीं पर इसको सेट कर देना है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से हमने लगा दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बटन लगा देंगे, छोटी सी बटन हमने ली है रेडीमेड, आप कपड़े से बना कर भी ले सकते हो।
तो इस तरह इसको अच्छे से लगा देंगे। तो देखिए डिजाइन बनके तैयार है। लास्ट में इसका हम प्लेट बना देंगे। तो देखिए प्लेट बना दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।